सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। मैं रंजय कुमार सिंह उर्फ भोला जी, मुखिया ग्राम पंचायत मेदिनीपुर, सह अध्यक्ष मुखिया संघ दिनारा, महासचिव रोहतास जिला मुखिया महासंघ रोहतास जिला, सचिव प्रदेश मुखिया महासंघ बिहार। आपने इस पद के लिए दोबारा नामांकन किया है, अपनी वर्तमान तीसरी बार आपने नामांकन किया इस पद पे। आप पहले भी दो बार मुखिया रह चुके हैं, तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है आपका? चुनावी मुद्दा इस बार अगर जनता आशीर्वाद देती है, सबसे पहला मुद्दा होगा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीनों मुद्दा पर विशेष फोकस रहेगा। और यूनिक कुछ ऐसा होगा जो अन्य जगह नहीं हुआ है। आपके जो धरनई पंचायत है जहानाबाद में, वैसा मॉडल भी हम अपने पंचायत में करने का प्रयास करेंगे। आप लगातार 10 साल तक मुखिया रहे हैं इस पंचायत के, तो 10 सालों का कोई एक बढ़िया उपलब्धि वाला कार्य बता दीजिए। देखिए, 10 साल का जो हमारे पंचायत था, बहुत पिछड़ा पंचायत था। जब 2011 में मुखिया बने थे तो यहाँ ना बिजली था, ना रोड था, ना नली था, ना गली था, ना कोई स्कूल का बिल्डिंग था, कुछ नहीं था। सारे हमने चुनौती को स्वीकार करते हुए, यहाँ पर हमारे पंचायत में हाई स्कूल नहीं था, हम लोग प्रयास करके हाई स्कूल का यहाँ पर निर्माण करवाए, बिल्डिंग भी बना, आज पढ़ाई भी स्टार्ट हो गया है। और एक जो अन्य जगह जाना पड़ता था लड़कियों और लड़कियों को, यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो गया है। मेरा एक प्रश्न है, और जितने भी उम्मीदवार हैं इस बार के नवे चरण के चुनाव के, जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं, उनसे मेरा एक सब एक ही प्रश्न रहता है कि जो हमारा समाज है पुरुष प्रधान है, और कहीं ना कहीं औरतें अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं, और आपके पंचायत क्षेत्र में भी ऐसे कई महिलाएं होंगी जो अपने अधिकारों से वंचित होंगी, तो आप उनको अधिकार दिलाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, बता देते हैं, जब भी हम ग्राम सभा करते हैं उसमें महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, और ग्राम संगठन और जीविका के माध्यम से हम लोग महिलाओं को जो भी संभव होता है, जीविका हमारे यहाँ बहुत मजबूती के साथ काम करता है, ग्राम संगठन बहुत बढ़िया काम करता है, और जब भी हम लोग का ग्राम सभा होता है उसमें महिलाएं का बहुत ज़्यादा उपस्थिति होता है। और दिनारा प्रखंड का प्रथम ODF पंचायत मेरा मेदिनीपुर पंचायत है, जहाँ DM साहब अविनेश कुमार पराशर यहाँ पर आए थे, उसमें भी महिलाओं का उपस्थिति ज़्यादा था, और हम लोग स्वच्छता अभियान में भी महिलाओं को सहयोग लेते हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है हमारे समाज में महिलाएं घरेलू हिंसा की ज़्यादा शिकार होती है, जैसे उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको शिक्षा, खेल या नौकरी करने के लिए बहुत कम निकाला जाता है, ना के बराबर निकाला जाता है। तो आप एक मुखिया पद के लिहाज से इन सब चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, बता रहे हैं, महिलाओं को सबसे ज़रूरी है शिक्षा। लड़कियों को अगर शिक्षित रहेगी तो साथ ही साथ अपने परिवार को भी शिक्षित करेगी, जो अपनी माँ को भी शिक्षित करेगी। महिलाओं की शिक्षा जरूरी है, वो हम लोग विशेष बल देते हैं। महिलाओं को शिक्षा तब न मिलेगा जब वो घर से बाहर निकलेगी। घर से बाहर निकल रही है महिलाएं, अब घर से बाहर निकल रही है। अभी कहने वाला चीज़ नहीं रह गया कि महिलाएं अब घर से बाहर नहीं, पुरुष से भी आगे हैं महिलाएं। अच्छा, एक और प्रश्न है, देश में सबसे बड़ा अब आज के दिन में जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, और आपके पंचायत क्षेत्र में भी काफ़ी ऐसे युवा होंगे, युवतियाँ होंगी जो बेरोजगार होंगी, तो आप उनको रोजगार दिलाने के लिए अपने स्तर पर क्या करेंगे? देखिए, बता देते हैं, पंचायत कोई स्टेट सरकार नहीं है, न केंद्र सरकार है जो युवाओं को रोजगार दे सके, क्योंकि सारा वैकेंसी ऑनलाइन हो गया है। हम रोजगार दे सकते हैं, एक हमारे पंचायत में एक साधन है मजदूरी, मनरेगा, 194 रुपया मजदूरी है। तो हम तो सरकार से बराबर मांग करते हैं कि 400 रुपया मजदूरी हो, कि रोजगार मिले। अब 300 रुपया मार्केट में मजदूरी है, 194 रुपये में कौन काम करना चाहेगा? एक रोजगार का ही जरिया है मनरेगा,
तो मजदूर हम तो बनाना नहीं चाहते हैं कि सभी मजदूर बने, व्यवस्था है वो काम करे। मैं तो चाहता हूँ कि युवा पढ़े लिखे, आईटी सेल में जाएं और अन्य जगह रोजगार करें, क्योंकि पंचायत मजदूरों के लिए है। बाकी कोई अब वैकेंसी आप लोग तो देख रहे हैं, कोई वैकेंसी अब पंचायत स्तर का कुछ युवा भी हैं जो कि अपना जॉब प्राइवेट जॉब छोड़ छोड़ के आके कृषि कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो युवा अभी बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी भी नहीं मिले तो इस कार्य के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए? जी एकदम बिल्कुल, कृषि को उद्योग आधारित पर उसको सरकार के मान्यता देना चाहिए कि कृषि का उद्योग का मान्यता हो, और जब उद्योग का मान्यता मिल जाएगा तो युवा भी इसमें कृषि से जुड़कर अपना रोजगार मतलब के सृजन कर सकते हैं इसमें। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल ये है, ये आम सवाल है कि जैसे आप मुखिया जी लोगों का वेतन मात्र 2500 रुपये का होता है, लेकिन हम भी देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि नॉमिनेशन से लेकर चुनाव प्रचार के दौरान लोग तमाम खर्चे कर रहे हैं, तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कहीं वोटरों को दारू मुर्गा, महिला वोटरों को साड़ी और अन्य तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है वोट के लिए, तो मात्र 2500 रुपये वेतन पाने के लिए इतना तमाम हथकंडे क्यों अपना रहे प्रत्याशी? देखिए बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, चुनाव का परिवेश बदला हुआ है, अभी जो सिचुएशन बदला हुआ है इसका मैं बहुत निंदा करता हूँ, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, हम चुनाव में बहुत नॉर्मल चुनाव लड़ते हैं, पूरा चुनाव हम वोटर को खरीदने के लिए नहीं घूमते हैं, क्योंकि इंसान के खरीदने की हमारे पास क्षमता नहीं है कि जो हम 100, 200, 500 में इंसान को खरीद सके। हम तो हमारा एक ही मुद्दा होता है कि हम 5 साल के लिए खुद बिकाने के लिए तैयार हैं, आप लोग एक वोट देकर हमको खरीद लीजिए, मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगा। वोटर को और जनता को खरीदने का किसी प्रत्याशी में क्षमता नहीं है, वो झुटमुट का एक गुमराह किया जाता है। और जो परिवेश बदला है, आप सही कह रहे हैं कि परिवेश बदला हुआ है, जितना भी इसका निंदा किया जाए उस कम है। अच्छा एक आरोप लगता रहा है मुखिया जी लोगों पे कि राजनीति में मुखिया जी लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए और इसको रोजगार का साधन बना लिया गया है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए बता रहे, इसको हम नहीं मानते हैं। कोई भी अगर मुखिया बनता है तो रोजगार के लिए मुखिया नहीं बनता है, एक प्रतिष्ठा अंदर से कोई भावना ही जरूर रहता है कि हमको प्रतिष्ठा मिलेगा, हम जनता की सेवा करेंगे, बाद में उसका भले वो कोई विचलित हो जाए, रास्ते से भटक जाए, लेकिन चुनाव अगर कोई लड़ता है तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए। जो भी अगर ऐसा सोचता है उसको राजनीति में नहीं आना चाहिए। पिछले 2 टर्म में कितने बार बदले हैं, रास्ते से भटके हैं? हम एक भी बार नहीं बदले हैं, हम एक भी बार नहीं बदले हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है जनता की सेवा करना। मुखिया जी एक बड़ा गंभीर सवाल है, हमने और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक वीडियो देखा था जिसमें आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे कुछ लोगों द्वारा आप पे कुछ आरोप लगाया गया है, तो इस पे आपकी आपका हम लोग स्पष्टीकरण जानना चाहेंगे। देखिए बता रहे हैं, वो जो भी विरोधी होता है वो आरोप लगाता है, चुनाव में आरोप क्या लगाइएगा, हर जगह शिकायत निवारण है, अन्य पदाधिकारी हैं, जो भी अगर हम गलत किए हैं तो शिकायत करना चाहिए, चुनाव में जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक बात मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, हम मुखिया पैसा कमाने के लिए नहीं बने, क्योंकि हम मुखिया नहीं रहते हुए हम सारे काम किए हैं, हम राइस मिल में रहता छितिनी में, वो मिल हम संचालन किए हैं, हम आरियो का रजिस्ट्रेशन है 3.5 करोड़ का वो काम कराए हैं, मेरा पेट्रोल पंप है, मेरे पिताजी बीसीओ से रिटायर किए हुए हैं, मेरा बढ़िया मैं किसान भी हूँ, और शुरू से मेरा जो भी यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं ठीक है, पूर्वजों का बनाया हुआ है, मेरे चाचा का बनाया हुआ है, उसके माध्यम से मैं सभी का मुखिया बनने से पहले मैं गरीबों का सेवा करता आया हूँ। अंत में आपने जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए जनता से मैं यही अपील करूँगा, अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर इस बार 2021 पंचायत चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बिहार का नंबर 1 मॉडल पंचायत मेदिनीपुर पंचायत रहेगा, और इसका मैं प्रयास करूंगा कि नंबर 1 स्थान आए और यहां पर सारे सरकार का कार्यक्रम हो इस पंचायत में हो। मैं जो विकास यात्रा होता है माननीय मुख्यमंत्री का भी मैं यहां पर लाने का प्रयास करूंगा, वो आकर देखें और कार्य से संतुष्ट हों। रोहतास की हर लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ 85 को और हमारी फेसबुक पेज आवाज़ 85 को लाइक एंड फॉलो करें।
यदि आप इस न्यूज़ को हमारे YouTube चैनल आवाज़ 85 से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे Facebook पेज से देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो एंड शेयर करें।